गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन योर चैनल टेक्नो गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरी कंबोज। ये है आपका चैनल, मेरे चैनल को आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्लीज क्लिक करिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी सारे मुझे दोस्त कमेंट कर रहे हैं वीडियोस के नीचे और मेरे को मेल कर रहे हैं कि जो मैंने अपनी रिसेंट जो वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमने एडसेंस से अप्रूवल कैसे लेनी है, उसकी मदद से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि यार आपकी वीडियो देख के मेरे चैनल को या मेरे ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूवल मिल गई है। सो इस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट करा है कि ये वीडियो देखने के बाद उनका जो ब्लॉग है वो एडसेंस ने अप्रूव कर दिया है और उनके ब्लॉग के नीचे एड्स आनी शुरू हो गई हैं। और उसके बाद जो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को या बहुत सारे ब्लॉगर्स को जो इशू रहता है वो ये रहता है कि उनके जो सर्च काउंट है वो कम है, गूगल पे रैंक कैसे करवाना है और अपना जो कंटेंट है, जो अपने ब्लॉग्स हैं, जो अपने आर्टिकल्स हैं, गूगल के अंदर कैसे सबमिट करवाने हैं। तो उसके लिए जो सबसे जो मेन चीज़ रहती है वो होता है हमारा हमारे ब्लॉग का या हमारे वेबसाइट का साइट मैप। सो इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ही आसान तरीके से कैसे अपने ब्लॉग का या अपनी वेबसाइट का साइट मैप कैसे क्रिएट करना है और उसको गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है ताकि कोई बंदा आपके कीवर्ड के साथ रिलेटेड या आपके आर्टिकल के साथ रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च करता है तो आपका भी आर्टिकल गूगल में ऊपर आए, सर्च परफॉर्मेंस में वो आपका जो ब्लॉग है, जो आपका आर्टिकल है शो होना शुरू हो जाए। इसको हमने कैसे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान और छोटा सा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग का या अपनी वेबसाइट का साइट में मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करवा सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने ब्लॉग पर एक आर्टिकल भी लिख दिया है, आप उस आर्टिकल को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो देख के ये हेल्प लेना चाहते हैं तो वीडियो तो बिल्कुल देख ही सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हमने अपनी जो साइट है उसका जहाँ अपने ब्लॉग का साइट मैप कैसे क्रिएट करना है और गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है। इससे पहले मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ देता हूँ जो आपको आपके ब्लॉग में, आपके एडसेंस के अकाउंट में, आपके यूट्यूब जो चैनल है उसको रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो आपकी अर्निंग को लेके, आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, आपके ब्लॉग को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आर्टिकल जो मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट साइट मैप फॉर ब्लॉग एंड सबमिट टू गूगल सर्च कंसोल स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो इसके अंदर जब रीड मोर पे जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप विद स्क्रीनशॉट सारी चीजें मैंने इसके अंदर दे दी हैं जो आपको चाहिए हैं। इंटरनेट आई गेस थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से लेट थोड़ा लोड हो रहा है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, देखिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है, मैं आपको भी बताता हूँ, ये है वो वेबसाइट जिसको हमने ओपन करना है। तो ये जो वेबसाइट है ओपन हो गई है, इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का लिंक। ये होता है हमारा एक्सेल फॉर्मेट में हमारी साइट का जो है वो एक साइट मैप क्रिएट कर देती है ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ मतलब पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है। जैसे जो मेरी वेबसाइट है उसका नाम है theindianow.in, तो मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दे दिया है। आपने प्रॉपर पूरा लिंक देना है, जैसे अगर आपका सिक्योर है SSL सर्टिफिकेट के साथ तो आपने लिखना है https://www.abc, मतलब आपकी डोमेन का नेम अगर .com है, .com, .in है, .in, जो भी है आपने वो यहाँ पर फुल फ्लैज जैसे URL देना है और क्लिक कर देना है जनरेट साइट मैप पर। तो जब हम जनरेट साइट मैप पर क्लिक करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें क्या क्रिएट करके देगा। देखिए जब हमने जनरेट साइट मैप पे क्लिक करा तो इसने हमें ये सारा जो है XML फॉर्मेट में ये साइट मैप हमें गूगल में सबमिट करने के लिए इसने क्रिएट करके दे दिया। अब मैं बताता हूँ इसको सबमिट कैसे करना है। हमने सबसे पहले ब्लॉगर्स के लिए मैं बताता हूँ हमने क्या करना है। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, ये वाली HTTP से शुरू होती है जो, इसको हमने कर लेना है कॉपी। ये वाले लिंक को इसको हमने कर लेना है कॉपी। ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप है। बहुत ही आसान सा तरीका है, सिर्फ एक या दो स्टेप्स में आपका जो है वो सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, साइट मैप क्रिएट हो जाएगा। तो हमने कर लिया है ये कॉपी, ये लिंक मैंने कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने जाना है अपने ब्लॉगर में। जब आप अपने ब्लॉगर में जाते हैं पोस्ट के नीचे यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सर्च प्रेफरेंसेस में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर लिखा होता है गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है आपने। अगर आपका ब्लॉग नया है, आपका गूगल सर्च कंसोल का यूआरएल नहीं है, मतलब अकाउंट नहीं है, आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब वो गूगल सर्च कंसोल पे जाएगा
वेबसाइट पे जाएगा, वहां पर जाके आपने अपना नया अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है गूगल सर्च कंसोल का। देखिए, अगर आप नए ब्लॉगर हैं, आपने रिसेंटली अपना ब्लॉग बनाया है और अप्रूव भी कर दिया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद ऐसे आपका गूगल सर्च कंसोल खुल जाएगा, अगर नहीं खुलेगा तो वहाँ पर साइन अप की ऑप्शन आपके पास आएगी। आपने सेम ईमेल आईडी से जिससे आपने ब्लॉग क्रिएट करा हुआ है, जहाँ जिससे आपने एडसेंस क्रिएट करा हुआ है, उसी ईमेल आईडी से इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर जाके आपके पास पूछेगा एड प्रॉपर्टी, एड प्रॉपर्टी भी जाके आपने अपनी डोमेन नेम, जो आपकी वेबसाइट का नेम है, वो आपने डाल देना है। डालेंगे तो वो कंफर्म करने के लिए पूछेगा। कंफर्म करने के बाद आपके पास ऐसे जो है वो गूगल सर्च कंसोल का लिंक आपके पास ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपरली आपकी प्रॉपर जो आपकी यूआरएल्स पे, आपके ब्लॉग पे जो इंप्रेशन होते हैं, टोटल क्लिक्स होते हैं, सीटीआर कितना चल रहा है, एवरेज पोजीशन क्या चल रही है आपके ब्लॉग की, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाएगा। और कौन कौन से जो यूआरएल हैं, क्वेरीज है गूगल पे आपके ब्लॉग के रिगार्डिंग सर्च हो रही हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर मेरे सारे के सारे जो लिंक है गूगल सर्च कर रहा है तो वो हमें दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम यूआरएल इंस्पेक्शंस भी देख सकते हैं, कवरेज भी देख सकते हैं, मतलब बहुत ही कैटेगरी के तरीके से हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट के ऊपर आई गई जो ट्रैफिक होती है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जाना है साइट मैप्स के ऊपर। जब हम साइट मैप्स के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 25 फरवरी को लास्ट अपना जो वेबसाइट का जो साइट मैप था वो यहाँ पर सबमिट कर रहा था, और लास्ट रीड है जो 28 को करा हुआ है। आज 29 है, कल गूगल सर्च कंसोल ने ये मेरा रीड करा था दोबारा से। तो हमें क्या करता रहना पड़ेगा, देखिए, अगर आप अपने ब्लॉग को अप टू डेट रखना चाहते हैं, कोई भी एक नया आप ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके बाद एक साइट मैप दोबारा से क्रिएट करिए इस पे, इस वेबसाइट पे जाके, और गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए वो लिंक। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना है सबमिट। तो अभी आपको मैं लाइव यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमें क्या मैसेज आएगा जब सबमिट हो जाएगा हमारा साइट मैप। तो देखिए, काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार साइट मैप बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, बहुत ही आसान काम है, चुटकियों में होने वाला काम है। ये तो एक बहुत ही बेसिक तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको क्रिएट करने के और भी कुछ तरीके हैं लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा तरीका ढूंढ के आपको बताया है। आपने जल्दी से अपने ब्लॉग के लिए ऐसे साइट मैप क्रिएट करके गूगल सर्च कंसोल में आपने कर देना है सबमिट। तो देखिए, जब हम सबमिट कर देंगे, 1-2 मिनट लेगा और उसके बाद हमें ये वाला मैसेज दे देगा, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, गूगल विल पीरियोडिकली प्रोसेस इट एंड लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद इट इन द फ्यूचर। तो हमने यहाँ पर कर देना है गॉट इट पे क्लिक कर देना है। देखिए, अभी यहाँ पर आ गया है लास्ट सबमिटेड जो है वो 29 फेब, और मैंने लास्ट जो गूगल ने रीड करा है वो भी 29 फेब, अभी अभी उन्होंने रीड करा है। यहाँ पर मेरे यूआर जो ब्लॉग के अंदर 30 URL है जो उन्होंने नोटिस करे हैं। तो गूगल क्या करता है, साइट मैप को जब हम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देते हैं, उसके बाद ये हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स को क्रॉल कर लेता है। क्रॉल करने के बाद गूगल की सर्च लिस्ट में ये सारा कुछ आ जाता है, हमारा एक एक ब्लॉग जो है इनके पास आ जाता है। जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो उसी डाटा से उठा के ये उनको देता है, तभी हमारा जो लिंक है, हमारा ब्लॉग है, सर्च लिस्ट में गूगल की आना शुरू हो जाता है। तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लॉग है, आपने कोई भी एक आर्टिकल लिखा है, नया आर्टिकल लिखा है, आप चाहते हैं कि साइट मैप नहीं, आपने रिसेंटली मतलब कल ही जमा करवाया था, तो आप चाहते हैं, देखिए जैसे ये ब्लॉग है, आप कहते हैं कि यार मैंने एक आर्टिकल लिखा तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ गूगल सर्च कंसोल में, देख लेते हैं कि गूगल के ऊपर ऑनलाइन है या नहीं। तो देखिए, मैंने अभी ये यूआरएल जो स्पेशल सर्टन एक यूआरएल वो मैंने इनको नहीं दिया था, मैंने अपना साइट मैप जो गूगल के अंदर सबमिट करा था 28 फरवरी को, तो मैं चेक करता हूँ कि ये गूगल के पास मेरा ये वाला जो लिंक है ये गूगल के पास है। तो जब हम यहाँ पर जाएंगे यूआरएल इंस्पेक्शन पे, वहाँ पर सबमिट करेंगे अपना पेस्ट करके यूआरएल, तो अभी आपके पास हमें जो रिवर्ट है वो गूगल दिखा देगा। देखिए, गूगल ने थोड़ा टाइम लिया, प्रोसेस करने के बाद उन्होंने बता दिया यूआरएल इज ऑन गूगल, इट कैन अपियर इन गूगल सर्च रिजल्ट, इफ नॉट सबमिटेड टू अ मैनुअल एक्शन और रिमूवल रिक्वेस्ट विल ऑल रेलिवेंट एनहेंसमेंट्स। सो उन्होंने लिखा है कि गूगल ने ये आपका जो यूआरएल है, ये जो आर्टिकल है, क्रॉल कर लिया है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा सर्च करेगा रिलेटिव, तो आपका जो ब्लॉग है, जो आर्टिकल है, गूगल सर्च लिस्ट में आने के लिए, मतलब उनके पास पड़ा डाटा, कोई बंदा सर्च करेगा तो आपका जो जो आपका आर्टिकल है वो पक्का इनकी लिस्ट में आएगा, अगर कोई बंदा मैच ऐसे ही कंटेंट जो सर्च कर रहा है।
तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपने ब्लॉग बना लिया है, ब्लॉग बनाने के बाद हमें गूगल सर्च कंसोल में अपना आर्टिकल, अपना ब्लॉग सबमिट करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, गूगल की तरफ से ट्रैफिक आए। तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा, आप सिंगल सिंगल यूआरएल भी इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का टॉपिक। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको आपके ब्लॉग को चलाने में या गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करवाने में या किसी भी तरीके का गूगल एडसेंस के साथ उसको लिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं अब मेरी लास्ट सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी बंदा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करता है मैं उसको 101% 1 या 2 घंटों में मैक्स टू मैक्स रिप्लाई करता ही हूँ। और काफ़ी सारे लोगों का मैंने वो इशू रिजॉल्व भी करवाया है, जो कॉन्फिडेंटली मैं बोल भी सकता हूँ। और मेरे पास वो बंदे भी हैं, मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं, पिछले 2.5-3 सालों से मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं जिनके इशू मैंने रिजॉल्व करे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के नीचे मेरा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आपको यूट्यूब ब्लॉग या एडसेंस के रिगार्डिंग कोई इशू है तो मेरे उस ब्लॉग को भी आप, उस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है इन चीजों को ग्रो करने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का टॉपिक। बाय बाय।